आरसीबी वालों को आखिरकार जीत मिल गई है। उन्होंने आईपीएल 2024 की सबसे खतरनाक टीम को उसके ही घर में हरा दिया। सनराइजर्स के खिलाफ मिली ये जीत इस सीजन आरसीबी की सिर्फ दूसरी जीत है और इस जीत की कहानी लिखी गई हैदराबाद की बैटिंग के पांचवें ओवर में। हैदराबाद वाले चार ओवर में 2 विकेट होकर 37 रन बना चुके थे। इन 4 में से 2 ओवर स्पिनर विल जैक्स ने डाले थे। जैक्स ने पारी के पहले ही ओवर में खतरनाक ट्रेविस हेड को वापस भेजा, जबकि यश दयाल ने अपने पहले ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। इसके बाद आए स्वप्निल सिंह। 33 साल के स्वप्निल अपने आईपीएल करियर का पहला मैच खेल रहे थे। उन्हें आरसीबी ने इंपैक्ट सब के रूप में जगह दी। दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद कप्तान फाफ डुप्लेसी ने गेंद स्वप्निल को सौंप दी। स्वप्निल की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल, मार्करम ने इस पर कट मारा, गेंद पॉइंट के फील्डर को छकाती हुई 4 रन के लिए चली गई। मार्करम ने सोचा कि इस ओवर को बड़ा बनाते हैं, इस चक्कर में वो अगली गेंद पर आगे निकल गए और निकलते ही उन्हें समझ आ गया कि गड़बड़ हो गई है। दरअसल स्वप्निल की ये गेंद फुल टॉस थी, हड़बड़ी में मार्करम इसे कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद सीधे जाकर उनके पैर पर गिरी, अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया। लेकिन मार्करम को यकीन ना हुआ, उन्होंने रिव्यू ले लिया। बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद सीधे जाकर लेग स्टंप पर गिर रही थी। ये विकेट इतना मजेदार था कि विराट कोहली रिव्यू देखने के बाद हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मार्करम 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए। फिर क्रीज पर आए हेनरी क्लासिक। क्लासिक के आते ही स्वप्निल ने नो बॉल डाल दी और इस पर क्लासिक ने सिंगल लिया। फ्री हिट पर नीतीश कुमार ने छक्का जड़ा। ओवर की 4थी लीगल डिलीवरी पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक क्लासिक को सौंप दी। ओवर की 5वीं गेंद एकदम स्लॉट में, क्लासिक ने इंतजार किया और गोल्फर की तरह बल्ला पूरी ताकत से घुमाते हुए 6 रन बटोर लिए। घरेलू फैंस खुश हो गए, लेकिन अगली गेंद पर स्वप्निल ने गेम पलट दिया। उन्होंने इस गेंद की लेंथ थोड़ी सी खींची, गेंद पड़कर बाहर की ओर निकली और क्लासिक ने इसका पीछा किया, बल्ला जोर से घुमाया लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊपर चली गई। कैमरन ग्रीन ने आसान कैच पकड़ते हुए क्लासिक की पारी का अंत कर दिया। उन्होंने 3 गेंदों पर 7 रन बनाए। स्वप्निल ने अपने इस ओवर में 19 रन देकर हैदराबाद के 2 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए। हालांकि इस मैच में उन्हें कोई और विकेट नहीं मिला, लेकिन इस ओवर से स्वप्निल ने मैच की दशा तय कर दी। आरसीबी ने हैदराबाद को उनके ही घर में 35 रन से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 20 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 43 गेंदों पर 51 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद वाले 20 ओवर्स में 171 रन ही बना पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।